हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन. दिस क्लास इज़ फॉर क्लास 11th सब्जेक्ट EVS. टुडेज़ टॉपिक टाइप्स ऑफ इकोलॉजी एंड द इकोसिस्टम एंड इट्स टाइप. यस्टरडे वी वर डिस्कस अबाउट इकोलॉजी एंड स्कोप ऑफ इकोलॉजी, सम डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी कि कितना इकोलॉजी इंपॉर्टेंट, इकोलॉजी का टर्म क्या है वो चीज़ समझाया था, डेफिनेशन क्या है इकोलॉजी का वो चीज़ समझाया था आप लोगों को. ख़ासकर इकोलॉजी के टर्म को किसने दिया था सबसे पहले वो चीज़ समझाया था आप लोगों को. आज हम टाइप्स ऑफ इकोलॉजी पढ़ेंगे आप लोगों को. दो टाइप्स ऑफ इकोलॉजी है वो पढ़ेंगे, इसके बाद इकोसिस्टम पढ़ेंगे, फिर टाइप ऑफ इकोसिस्टम पढ़ेंगे. खूब आप लोगों को, हम ये दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोगों को समझ आया होगा. कल हमने बताया था आप लोगों को इकोलॉजी क्या है. तो इकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी था कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म, खासकर लिविंग ऑर्गेनिज्म, इंटरेक्ट करता है एक दूसरे के साथ और अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाता है, कैसे इंटरेक्शन है उनका, इंटर रिलेशन किस तरह है, उसे हम इकोलॉजी कहते हैं. ठीक है, तो इकोलॉजी ख़ासकर जो सबसे पहले आप लोगों को कहाँ से निकला था, सो इकोलॉजी की जो टर्म दिया था उसको एक जर्मन बायोलॉजिस्ट ने दिया था, एर्नेस्ट हैकल्स ने. एक ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, कोई इसका मतलब हाउसेस और लोगों उसका मतलब स्टडी की एक ख़ासकर इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ने को, उस इन्वायरमेंट के अंदर किस तरीके की लिविंग बीइंग है, उस लिविंग बीइंग का अपने ख़ासकर पर्टिकुलर स्पीशीज़ के साथ कैसे इंटर रिलेशन है, पर्टिकुलर स्पीशीज़ के साथ किस तरह इंटरएक्शंस है, किस तरह इंटर रिलेशंस हैं, और उस स्पीशीज़ का अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ किस तरह इंटरेक्शन है, और डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ के बीच में किस तरह इंटर रिलेशंस हैं, इन सारी चीज़ों को पढ़ने की प्रोसेस को हम इकोलॉजी कहते हैं. ठीक है, सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ इकोलॉजी, वन इज़ एक्यूट इकोलॉजी एंड अनदर इज़ सिंकोलॉजी. यानी एक्यूट इकोलॉजी उसको कहा जाता है, एक्यूट इकोलॉजी जिसे हम ऑटो इकोलॉजी भी कहते हैं, ऑटो इकोलॉजी उसको भी कहते हैं. ख़ासकर अगर हम कहा जाए तो सिंगल यानी सेल्फ जिसे हम कहते हैं, यानी स्टडी ऑफ इकोलॉजी रिलेशनशिप फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इन ए सिंगल स्पीशीज़, यानी पर्टिकुलर स्पीशीज़ के अंदर जो इंटर रिलेशन होने को हम ऑटो इकोलॉजी कहते हैं. मतलब ये कि भाई एक तरीके के स्पीशीज़ के अंदर जो ख़ासकर इंटर रिलेशनशिप हैं सिंगल स्पीशीज़ के अंदर, उसे हम कहते हैं ऑटो इकोलॉजी. सिंकोलॉजी उसको कहते हैं इफ़ ऑल स्पीशीज़ आर स्टडीज एज अ कम्युनिटी. अगर पूरे ख़ासकर इकोलॉजी को दो टाइप हैं, ऑटो इकोलॉजी हुआ यानी सिंगल स्पीशीज़ के बारे में इंटर रिलेशन किस तरह उसको पढ़ना, सिनकोलॉजी पूरे कम्युनिटी ऑफ इकोलॉजी स्पीशीज़ को पढ़ने के लिए, जिसमें एक इकोसिस्टम में कितने तरह तरह के खासकर स्पीशीज है उसको पढ़ने के लिए हम सिनकोलॉजी कहा जाता है. ठीक है, दूसरे वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि लाइक अगर हम बुकिश टर्म से हिसाब से देखा जाए तो ऑटो इकोलॉजी को डिराइव किया गया था एक ग्रीक वर्ड से, यानी ऑटो का मतलब सेल्फ, लॉजी का मतलब स्टडी. यानी ऑटो इकोलॉजी एक ऐसा ब्रांच इकोलॉजी का जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना और ख़ासकर इंडिविजुअल स्पीशीज़ के बारे में और उसके एनवायरनमेंट विद देयर एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करने को हम ऑटो इकोलॉजी कहते हैं. जैसे कि उस पर्टिकुलर ख़ासकर ऑर्गेनिज्म या उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर के बारे में, उसकी घर के बारे में, ख़ासकर उसकी हैबिटेट के बारे में, लाइफ हिस्ट्री हो, उसकी कितना पॉपुलेशन चेंज है, डायनेमिक्स हैं, सिंगल स्पीशीज़ के बारे में, कोई भी सिंगल स्पीशीज़ के बारे में और उसके पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ने को हम ऑटो इकोलॉजी कहा जाता है. ठीक है, सिंकोलॉजी को डिराइव किया गया है फिर से ग्रीक को, सिन का मतलब टुगेदर, साथ में. ठीक है, साथ में स्टडी करना. ठीक है, ये एक ऐसा इकोलॉजी का ब्रांच है जो ख़ासकर डील करता है स्टडी ऑफ ग्रुप ऑर्गेनिजम्स, कम्युनिटी या इकोसिस्टम, पूरे इकोसिस्टम को पढ़ने को हम सिंकोलॉजी कहा जाता है. ठीक है, पूरे उस इकोसिस्टम के बिहेवियर के बारे में, वहाँ की कंपोजिशन के बारे में, कैसे रिलेशनशिप है कम्युनिटीज़ के अंदर और उन कम्युनिटीज़ का अपने इन्वायरमेंट के साथ किस तरह रिलेशनशिप है, किस तरह की इंटर रिलेशन है, इसको हम कहते हैं क्या, सिंकोलॉजी.
उन सभी रीज़न के से हम ये कहते हैं सिन, मतलब टुगेदर साथ में पढ़ने को, इसीलिए उस कम्युनिटी को क्या कहते हैं हम, सिनकॉलोजी कहा जाता है। सो होप आप लोगों को समझ आया होगा टाइकोलॉजी एंड सिनकॉलोजी, दीज आर टू टाइप ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी का दो टाइप है, ठीक है। नाउ वी हैव इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है वो चीज़ देखेंगे सबसे पहले। व्हाट इज़ इकोसिस्टम, आप ज़रूर आप लोग बुक से भी पढ़े हैं, आप लोग खुद से भी पढ़े हैं। इकोसिस्टम खासकर जो यहाँ पे आप लोगों को लिखा गया है, जो टर्म ऑफन है बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा जो यूज़ होते हैं, कोई भी कम्युनिटी यानी इकोसिस्टम में, बायोलॉजी इज़ अ कम्युनिटी, प्लांट स्पीशीज कम्युनिटी, मतलब देयर इज़ अ इंटर रिलेशनशिप, देयर आर प्लांट एंड द एनिमल्स इंटरेक्टिंग और इंटर रिलेटिंग विद ईच अदर एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर। एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितने सारे कम्युनिटीज़ हैं उनके रिलेशनशिप अपने इन्वायरमेंट के अंदर, उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम, कि उसका हैबिटेट क्या है, वो सारे एक जगह पे अलग अलग किस तरह रहते हैं। अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम होते हैं, टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम होते हैं, ख़ासकर एक्वेटिक इकोसिस्टम होते हैं, बहुत सारे तरह तरीके के इकोसिस्टम होते हैं। सो इको का मतलब इन्वायरमेंट होगा, सिस्टम अप्लाइंग जो इसका मतलब है, इकोसिस्टम का मतलब इको का मतलब इन्वायरमेंट, सिस्टम का मतलब इंटरेक्टिंग, इंटरडिपेंडेंट, कम्प्लेक्स, ये किस तरह वो सब रह रहा है उसी सिस्टम के अंदर, उसको हम कहते हैं इको सिस्टम। सबसे पहले इको सिस्टम को, इको सिस्टम के जो टर्म को दिया था ए जी टेंसले ने 1935 में, याद रखना ए जी टेंसले क्वाइंड बाई द टर्म इको सिस्टम इन 1935। बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग खासकर इको सिस्टम के बारे में थ्योरीज दिए हुए हैं, वो आप लोग ज़रूर पढ़ लें। तो सबसे पहले जो इको सिस्टम का जो थ्योरी दिया था वो ए जी टेंसले ने दिया था 1935 में। टाइप ऑफ इको सिस्टम, ये है इको सिस्टम आप लोग, दर इंटर रिलेशनशिप ऑफ नॉन लिविंग बींग जिनको हमें बायोटिक कहते हैं, लिविंग बींग जिनको हम बायोटिक कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप होते हैं, और बायोटिक के बीच में जितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप होते हैं, उसी को हम कहते हैं इको सिस्टम, जिनकी वजह से एक इको सिस्टम बनते हैं, हैबिटेट बनता है वहाँ पे, ठीक है। सो टाइप ऑफ इको सिस्टम, देर आर टू टाइप ऑफ इको सिस्टम, वन इज़ नेचुरल इको सिस्टम, अनदर इज़ आर्टिफिशियल इको सिस्टम, ठीक है। द नेचुरल इको सिस्टम उसको कहा जाता है ख़ासकर जो बाई नेचर जिसको ऑपरेट करे, जो बाई नेचर की ओर से होता है, यानी जो कुदरती ओर से होता है, जिसमें कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है, यानी ह्यूमन का शमूलियत बिल्कुल नहीं होता है। शमूलियत बोलते हैं इंटरफेरेंस को, जिसमें किसी भी ह्यूमन का किसी भी टाइप का इंटरफेरेंस नहीं होता है। उनको अलग अलग वेरियस बेसिस के हिसाब से, उसकी नेचुरल हैबिटेट के हिसाब से डिवाइड किया गया है, जैसे कि उनको हमने पहले ही बोला आप लोगों को, वन इज़ टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम, अनदर इज़ एक्वेटिक इकोसिस्टम। द टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम वो हुआ जो ख़ासकर सरफेस ऑफ द अर्थ पे आप लोगों को मिलता है, जो ख़ासकर लैंड पोर्शन पे जो मिलता है, उन सभी को हम टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम बोलते हैं। लाइक ग्रासलैंड इज़ वन ऑफ द मेन इकोसिस्टम ऑफ टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम, फॉरेस्ट है, डेजर्ट एरिया है, इन सभी में अपने अंदर ख़ासकर ग्रासलैंड के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रासलैंड और डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच में तरह तरह के इंटर रिलेशनशिप होते हैं। फॉरेस्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट स्पीशीज और एनिमल स्पीशीज़ का एक इंटरेक्शन इंटर रिलेशन बना होता है, उनका एक अपना इकोसिस्टम बना होता है, डिज़र्ट का एक अपना इकोसिस्टम बना होता है। सेम चीज़ में एक्वाटिक इकोसिस्टम में होता है, जिसमें आप लोगों को पॉन्ड्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, मरीन्स लाइक सीस और एस्टुरीज होते हैं। सो उन सिस्टम को हम कहते हैं नेचुरल इकोसिस्टम, जो बाय नेचर से बनता है, जिसमें ह्यूमन का कोई भी इंटरफेरेंस ना होते हैं। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स वो इकोसिस्टम होगा जिस इकोसिस्टम को क्रिएट किया गया है बाय मैन, बाय ह्यूमन, उस इकोसिस्टम को ही मेंटेन करता है ह्यूमन द्वारा, आर्टिफिशियली मेंटेन किया जाता है। लाइक एक्वेरियम, एक्वेरियम में ऐसे फिशों को रखे जाते हैं जिसमें एक ऐसा उन्हें हैबिटेट क्रिएट करना है, ऐसे माहौल क्रिएट करना, इन्वायरमेंट क्रिएट करना, खासकर बाय ह्यूमन द्वारा, ठीक है।
वो एक नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है जो एक बड़ा सा सी आया उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल स्पीशीज़ ख़ुद से आया वहाँ पे, किसी पर्टिकुलर इंसान के द्वारा ले जाकर वहाँ पे फ़िश को रखा नहीं गया है। सेम चीज़ एक्वेरियम में उसको रखा जाता है, ठीक है, वो पहले से नहीं होता। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। बहुत सारे गार्डन्स क्रिएट करते हैं, बहुत सारे क्रॉप्स फील्ड क्रिएट करते हैं, ख़ासकर जो ह्यूमन द्वारा क्रिएट किया गया है, जिसमें नेचर का इंटर रिलेशन, नेचर का हाथ तो होते हैं बाय ह्यूमन क्रिएट करते हैं उन इकोसिस्टम्स को, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टाइप ऑफ इकोसिस्टम। होप आप लोगों को समझ आया होगा। सो व्हाट इज़ इकोलॉजी समझ में आया, एंड द टू टाइप ऑफ इकोलॉजी समझ में आया, ऑटो इकोलॉजी एंड सिनकोलॉजी। इकोसिस्टम समझ में आया आप लोगों को, एंड टाइप ऑफ इकोसिस्टम समझ में आया। कल आप लोगों को हम और एक टॉपिक में ज़रूर समझाएंगे कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के क्या इंपॉर्टेंस हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप एक पढ़ लें। थैंक यू सो मच।